चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया रॉकेट किसी भी दिन वापस धरती पर अनियंत्रित होकर प्रवेश कर सकता है। तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया यह विशाल रॉकेट बेकाबू हो गया है और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यह शनिवार को धरती से टकरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो तबाही होगी उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अमेरिकन सरकार ने आशंका जताई है कि ये रॉकेट शनिवार 8 मई की सुबह न्यूयॉर्क, मैड्रिड या चीन के पेचिंग शहर को निशाना बना सकता है। अलग अलग देशों के रडार इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि अगर ये किसी देश के ऊपर दिखाई दे तो उस देश को पहले ही सूचित कर दिया जाए। मगर रॉकेट इतनी तेजी से गति और अपना स्थान बदल रहा है कि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के वायुमंडल में आने के बाद उसका अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।